नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ आप सभी बेटा सुनियता चलनुखा। कैसे हैं आप सब, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसे हैं। तो चलिए आज हमारे साथ बैठे हैं लखनऊ के दरोगा जी। चलिए आज इनसे बात करते हैं लखनऊ में किस जगह से चल के आए हैं और आज ये क्या गाएंगे, इनका नाम क्या है। वैसे तो दरोगा जी के नाम से प्रसिद्ध है लेकिन इनका ओरिजिनल नाम क्या है वो पूछते हैं। तो दरोगा जी सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है। हमारा नाम है श्री कृष्ण चंद्र सिंह। वाह, नाम तो बहुत अच्छा है जी आपका। जलवा सिंह। उर्फ जलवा सिंह। जलवा सिंह, अरे वाह क्या बात है। और आप बताइए लखनऊ से आए हैं। जी जी। लखनऊ में प्रॉपर किस जगह से? लखनऊ से गोमती नगर से। गोमती नगर खड़गा। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि आज आप आए हुए हैं कौन सा गाना लेकर आए हैं? हम भजन गाने जा रहे हैं, भजन का बोल है रसिया के रसीली बन जाऊं। वाह 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 वा, क्या बात है, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, बहुत अच्छा। तो ये बताइए कि इतने अच्छे पोस्ट पे रहते हुए, मैं आपको बता दूं कि ये है हमारे दरोगा जी और ये बहुत अच्छे पोस्ट पे है, और दरोगा जी रहते हुए भी ये सिंगिंग लाइन में आए, आखिर क्यों, इनका वजह क्या है, मीन्स इनको शौक है, कब से शौक है ये पूछते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए दरोगा जी कि आपको ये सिंगिंग का जुनून कब से है? शौक हमारा छोटे पर से है। अच्छा, छोटे पर से। अच्छा। और संत महापुरुष का दर्शन हुआ, इसीलिए धीरे धीरे भजन में मन लगने लगा हमारा। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। तो उधर भी तो स्टूडियो है। हाँ, लेकिन आप लोगों का काजल अनोखा का जो व्यवहार है, प्रेम है, भाव है, मीठी मीठी आवाज है, इसलिए मैं वहाँ पर चले आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मेरे तरफ से मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपके दरोगा जी हूँ कि मेरे स्टूडियो पे आ रहे हैं, इसी खुशी की बात नहीं हो सकती। तो मैं चाहूँगी दरोगा जी अपनी जो मीठी मीठी आपकी जैसी भी आवाज होगी, तो मैं आवाज नहीं सुनी हूँ, पहले देखते हैं कि आपकी आवाज कैसी है। मेरे श्रोता जितने भी देख रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि दरोगा जी की आवाज कैसी है। तो मैं चाहूंगी कि जो गाना गाएंगे वो तो है हमें सुनाएंगे। रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। अच्छा दरोगा जी ये बताइए, गाना तो आपका बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, बहुत ही खूबसूरत, मैं बता नहीं सकती, ये बताइए जो गाना है कौन लिखा है? भजन जैसे मान लीजिए किसी का भजन सुनते हैं, उनका धुन अलग है, हमारा धुन अलग है। अच्छा अच्छा जी, भजन तो बहुत लोग गाते हैं। मीन्स लिखा कौन है? लिखा तो मथुरा बन के उधर के कोई गायिका था, रस के पास। अच्छा, यानी मेरा लिखा हुआ है किसी भी चीज को धुन चलती है। हाँ, धुन के अपने हर अलग अलग वाणी जो है अपने अपने भाषा में आवाज निकलता है। और मैं आपको बता दूं दरोगा जी कि आप तो अच्छे पोस्ट पे हैं, आप सिंगिंग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो एक्सप्रेशन होना चाहिए, देखिए सिंगिंग दिल से वही आता है, सीधे झलक जाता है, और इनके अंदर सिंह झलक रहा है क्योंकि मैंने इनसे बोला दुआई कुछ नहीं, तो इन्होंने जब गाया कच्चा पाया बता नहीं सकते, बहुत ही खूबसूरत है। मैं चाहूंगी कि पर म्यूजिक के साथ गाइए, तब देखते हैं कि म्यूजिक के साथ हम गा पाते हैं कि नहीं, क्या ये दरोगा जी सिंगर बन सकते हैं, आप सब जरूर बताइए। चलिए Thank you.
चार बात के लिए है, कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज तो दिख रहा है, गाड़ी हर कर रहा है तो कुछ नहीं दिख रहा है, आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छी अच्छी बात है, सिंगिंग कीजिए तो दिल से कीजिए। अब आपको क्या समझाना, जब आप जॉब करते हैं तो आप दिल से ही करते होंगे, आपका ड्यूटी दिल से करते हैं, तो दरोगा जी तो गजब का कमाल किए, बहुत अच्छा। तो दरोगा जी आप ऐसा कीजिए, अंतर मुझे सुनाइए तो। रसिया की लस्सी बनाऊंगी, हाँ मतलब सुबह ना ये हमने सुना थी अंतरा, इसका आगे वाला है। अच्छा आगे है, हाँ इसका आगे वाला सुनाइए, उसको हम दोहरा करके फिर सुनाइए। रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊं, अरे रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया मेरो प्रेम पुजारी, रसिया रस की खान है, रसिया मेरो प्रेम पुजारी, रसिया रस की खान है, रसिया रस की खान है, छबीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊं, अरे रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। बहुत अच्छा, ये जो लाइन है ना, रसिया मेरो, क्या था, रसिया मेरो प्रेम पुजारी, रसिया रस की खान है। यही चीज लाइन है, इसी चीज को म्यूजिक के साथ बन गया, ठीक है, गाना तो याद है, गाना तो उसको, हाँ ठीक है, भूल जा, चलिए ठीक है, दो लाइनें ठीक है, वो तो मैं अभी आप तो रिहर्सल ही हुआ है ना, ये तो मेन गाना नहीं है, मेन रिकॉर्डिंग आपका उसमें होगा, ये तो बस रिहर्सल है, तो जो लाइन है उसको म्यूजिक के साथ कर दीजिएगा। रहते हुए सिंगर भी बन सकते हैं, यही तक, बाय बाय, धन्यवाद।